नमस्कार हिंदुस्तान, सभी भाइयों को राम राम। पहली वीडियो में था स्कॉर्पियो का पिन कोड रीडिंग, जो सक्सेस हो गया एक डेढ़ महीना दो महीना पुरानी गाड़ी का, जो BS6 में वर्जन 2 था। अभी इसके कुछ स्कैनिंग के फीचर, कुछ स्पेशल फंक्शन, कोई DEF को रीसेट करना, वो देखते हैं कि वो सक्सेस करते कि नहीं। मेरे साथ वीडियो में अपने भाई और डीलर अशोक जी और अभिनव, और इसका चेक कर रहे हैं हम कि इसका जो ECU है वो कंपैटिबल है पुराने सिस्टम के हिसाब से या नहीं। पहले ऑटो स्कैन में जाएंगे। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, डिवाइस है S6 Elite, और डायग्नोसिस स्कॉर्पियो PS6 ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा। मैंने चेक किया तो मैंने सिस्टम सिलेक्शन पे चला गया, तो मैंने एक चीज नोट की, ये इसके ट्रबल कोड को रीड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर ECU की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। नेगेटिव रिस्पांस आ गया। चलिए इसको छोड़ के मैंने बाकी के स्टेप के ऊपर आ गया, जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वो तो पुराने हिसाब का ही था। मैंने इधर से चेक कर लिया, इसका विन नंबर आ रहा है, ठीक है जी, बाजा की गल कर, और बाकी ये सब चीज़ें जो जो उसके पार्ट नंबर हो गए या सॉफ्टवेयर नंबर हो गए या हार्डवेयर नंबर हो गए, वो सब आ रहा है। मतलब ये मैच कर गया इसका पुराने सिस्टम के साथ, जब अपने में अपडेट होगा तो इसने उठा लिया। MBFM को मैंने चेक किया तो वो भी इसने दे दिए, इसके सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, डाटा आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, बूट सॉफ्टवेयर का नंबर भी आ गया, ठीक है जी। और बाकी मैं इमोबिलाइजर देख रहा हूँ, इमोबिलाइजर तो अपना पिन कोड भी निकल चुका है, और वैसे भी इसने इसका रीड कर लिया। जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर होता है, ये देखिए, जैसे D16 का इमोबिलाइजर आता, आप सभी को पता है 2021 के बाद तो D16 की इसकी सीरीज आ गई, ठीक है जी। ये विन नंबर आ गया, ये मैन्युफैक्चर जब हुआ था तब की डेट आ गई। ली तो गाड़ी कस्टमर ने दो महीने एक डेढ़ महीने पुरानी है, पर जब मैन्युफैक्चर हुआ था वो डेट भी आ गई, तीसरे महीने 29 तारीख, मतलब अप्रैल महीने के करीब की गाड़ी है ये। और बाकी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है जी, इसका भी नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया, मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी आ रही है उसके अंदर अभी काम करने वाला और अपडेट आने वाले हैं। और मैंने एक चीज़ और चेक की, अगर इसके BS6 में जाकर इसका ECM हम अलग से स्कैन करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन रीड हो रही है, पर हम इसको प्रॉपर करेंगे जैसे वहां पे ही आपको आए जहां पे हमने काम किया था, जैसे स्कॉर्पियो के BS6 में जाके। तो मैंने दो तीन फीचर इसके और चेक किए, जिसमें ये देखिए, स्पेशल फंक्शन में गया मैं, रीसेट DEF टैंक लेवल ये नहीं हुआ, DPF रीसेट हो गया। DPF रीजनरेशन की अभी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने मांग लिया था। अगर ये स्टेप हम फॉलो करते हैं तो ये खुल रहा है, पर अभी आई थिंक मॉडिफिकेशन होने वाली है सॉफ्टवेयर में, बिल्कुल नई गाड़ी है ना, इसलिए अगर ये DEF लेवल हमने रीसेट करना है, इसका टैंक लेवल है जो, तो व्हीकल बंद होना चाहिए, इंजन स्पीड तो नॉर्मल जब बंद होगा तो जीरो होगा, बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, टैंक लेवल ऑफ 44 mm, ये सारी करने के बाद भी ये फेल्ड आ रहा है, मतलब ये भी अभी डेवलप होने वाला है। मतलब जो जो है नई गाड़ियों में भी टीम लगी रहती है कि चेक करने के लिए कि क्या क्या इसमें और होगा, तो उसी हिसाब से इसका आज सारा चेक किया है। अभी इसके ECU को चेक करेंगे, इतना चेक कर लिया हमने पुराने के हिसाब से, नए के अंदर प्रोसेसर में फर्क है, जो उसका CPU है मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर वो फर्क है, तो देखते हैं उसका पिन कोड आता है या नहीं आता, ठीक है जी। और बाकी कभी भी कोई भाई काम करना चाहिए तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग सही तरीके से हो रही है, स्कैनिंग सही तरीके से हो रही है, सारे पार्ट स्कैन हो रहे हैं, पर हम जिस लेवल पे इसकी स्कैनिंग करना चाहेंगे उस पर भी समय है, ठीक है जी। मिलते हैं तीसरे पार्ट पे, जिसके ऊपर हम देखेंगे कि ECU का पासवर्ड आता है या नहीं।